नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, हर व्यक्ति खुश होना चाहता है। हर जीव जब उसको उसकी मनपसंद चीजें मिलती है तो वो बहुत प्रसन्न होता है। सबसे बड़ा दान ही है अन्नदान, वस्त्रों का दान, जिससे जीव प्रसन्न होते हैं, उनकी इच्छा की पूर्ति होती है। मनुष्य दोस्तों ऐसा जीव है जिसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। वो धनवान बनना चाहता है और धनवान और धनवान और धनवान। मैं अपनी वीडियो में बहुत सारे चैनल में बहुत सारे वीडियो अपलोड की है मैंने धन प्राप्ति की। यदि आप सच में जो उपाय मैं आपको बताती हूँ उन्हें यदि आप मन से फॉलो करने लग जाए, कुछ ही दिनों में दोस्तों आपकी किस्मत ना बदल जाए तो आप कहना। कलयुग में जिसके पास धन नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। गरीबी के समान दोस्तों कोई श्राप नहीं है। आज के जमाने में गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। तो ये बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति के पास धन हो, भले वो अंबानी ना बने लेकिन भूखे भी ना मरे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मंत्र जो मैं आपको बता रही हूँ, इस मंत्र को आप जितना ज्यादा बोलते रहेंगे आपकी तिजोरी हमेशा दोस्तों भरती रहेगी। शिव जी ऐसे देव हैं जिनके द्वारा दिया गया कोई भी वरदान कभी विफल नहीं जाता। ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो शिव जी के द्वारा दिए गए वरदान को विफल कर दे। ये मंत्र शिव का है लेकिन लक्ष्मी प्रदान है। जितना ज्यादा आप इस मंत्र को बोलते रहोगे धन आपके पास आता रहेगा। रोज दोस्तों सोते समय ज्यादा नहीं तो 2 मिनट आप इस मंत्र को मन ही मन बोले। सोने के समय मुंह हाथ धोकर के आप बेड पर आराम से लेट जाए। लेट करके यहाँ अपने मस्तिष्क के बीचों बीच में ध्यान करें, जैसे कोई ज्योति विराजमान है। ये आपकी तीसरी आंख है, यहीं पर शिव जी विराजमान है, ऐसा आपको इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है। कुछ देर के लिए आपको अपनी सांसों पर कंसेंट्रेशन करना है। आपकी सांसें बराबर चल रही है। आपको दुनियादारी से थोड़ा हट करके अपने आप पर, अपने अंदर के शिव पर ध्यान अपना एकत्रित करना है। और उसके बाद में ओम शिव शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम शिव शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का आपको जाप करना है। ज्यादा नहीं तो 2 मिनट करें। ये मंत्र दोस्तों लक्ष्मी प्रदान है, घर में धन का ढेर लगा देता है। 2-2.5 मिनट इसका रोज सोते समय आप जाप करें, सोते समय इस मंत्र को बोलें, उसके बाद में आराम से करवट बदल करके आप सो जाएं। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके पास धन बहाने मार मार कर आना शुरू होगा। करके देखें सुबह क्या अनुभव होते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। जय श्री कृष्ण।